ध्यानी मतलब समाधि, ईश्वर प्राप्ति होने से एक पहला कदम, बिल्कुल ईश्वर के आप पास पहुंच गए हैं। और जैसे ही आप समाधि में जाएंगे तो अगला फल शिव है, ईश्वर प्राप्ति है। भगवान ने संकल्प किया, एको हम बहु श्याम, बहुत सारे बन जाऊं। ब्रह्मा से कहा सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा को जैसे ही बनाया, अगले क्षण ब्रह्मा को लगा मेरी नेम प्लेट कहां है, मैं अपने कमरे के बाहर कोई नेम प्लेट तो लगाऊं, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, पता क्या है, ठिकाना क्या है, मेरा परिचय क्या है, कुल गोत्र क्या है मेरा। ब्रह्मा को एक वर्ष, 1000 वर्ष लगे ये खोजने में कि मैं कौन हूं। और हम सब भी यही खोज रहे हैं कि मैं कौन हूं, मेरा कोई पद मिले, मेरी कोई पहचान मिले, मैं अपने घर के आगे एक चौखट लगा दूं, कोई एक नेम प्लेट लगा दूं कि मैं ये हूं। हम सब अपनी पहचान सुन रहे हैं। जो सृष्टि के प्रारंभ में जिस तरीके से सृष्टि प्रारंभ हुई, वो सब हमारी है, हम ही ब्रह्मा है। भाई सृष्टि में ब्रह्मा का कार्य सृष्टि निर्माण था, आप ही सृष्टि निर्माण करते हैं। तो वो अपना परिचय खोज रहे हैं, लेकिन नारायण ने उसे कुछ बताया नहीं। जब भगवान से वो मिले तो केवल इतना बताया, अहमेवास मेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चाद अहम यदे तच्च यो वशिष्यत सोष में। हम कुछ नहीं है, जो दिख रहा है वो सब मैं हूं, और जो नहीं दिख रहा है वो भी मैं ही हूं। कोई परिचय नहीं बताया ब्रह्मा को कि तू कौन है। यही सेम पोजीशन हमारी है, हमें भी नहीं पता हम कौन है। नाम जरूर माता पिता ने रख दिया है, लेकिन जब यहां से जाओगे तो कहां जाओगे, कोई परिचय नहीं है। और ना उसने बताया कि उसने तो कहा अहमेवास मेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम, ये जो कुछ मैं है सब मैं हूं। और पश्चात हम यदि त्यच, यदि मेरे अलावा कुछ बच रहा है तो वो भी मैं ही हूं। इस देश के सबसे बड़े गुरु से जब पूछा गया कि तू कौन है, उनके गुरु ने पूछा निर्वाण सष्टकम, उन्होंने कहा मैं बुद्धि अहंकार नहीं हूं, मन नहीं हूं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न चा श्रोत जिभ्ये न चा घ्राण नेत्रे न चा व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न चा प्राण संज्ञो न वे पंच वायु न वा सप्त धातु न वा पंच कोशा न वाक्य पाणि पादौ न चा उपस्थ पायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदो न यज्ञ अहम भोजनम it all.
सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्ति न बन्ध चिदानन्द रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं आई एम नॉट माइंड नॉर इंटेलेक्ट nor conscience, neither I am food, nor seven senses, I am not wine, I am not fire, na main panchabhoot hoon, na fire hoon, na agni hoon, na jal hoon, na tattva hoon, I am not mind, main man bhi to nahi hoon, I am not intellect, main buddhi bhi nahi hoon, I am not self-conscience, मैं स्वयं का अपना प्रभाव भी कुछ नहीं हूं आई एम नॉट फूड नेदर आई एम हैंड नॉर आईज नॉट दीज ऑल फीचर्स आई एम नॉट दीज ऑल थिंग्स नेदर आई एम हैविंग फूड नॉर आई एम ईटिंग फूड आई एम नॉट फादर नेदर आई एम मदर नॉर आई हैव एनी कास्ट नॉट क्रीड आई एम एबल I'm above than all. I'm pure conscience. मैं pure conscience हूँ, चैतन्यता हूँ, शिव हूँ. I'm pure love. मैं प्रेम हूँ. उन्होंने ये परिचय दिया. उनसे पूछा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न चौसौत झिप्पे मैं कोई नेत्र भी नहीं हूँ. ये हमारा परिचय है कि हम कुछ है नहीं लेकिन हम बहुत गुमान में घूम रहे हैं कि हम बहुत कुछ हैं और असल में नारायण ने कुछ कर नहीं छोड़ा सब तो उन्होंने अपने हाथ में लिया. आपके पास आपका परिचय नहीं है. ब्रह्मा की सृष्टि मन से है. यदि एक क्षण के लिए हमारा मन विकृत हो जाए हम मन नहीं हैं. मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम वी आर नॉट माइंड इंटेलेक्ट थिंकिंग वी आर नॉट बुक कुछ भी नहीं है हम नॉलेज भी नहीं. ये सब हिस्से उसके हैं. हम तो एक स्लेट हैं जैसे एक स्लेट होती है और एक बत्ती होती है. स्लेट अपने आप में भी कुछ नहीं है और लिखने के लिए जो पेन है वो अपने आप में भी कुछ नहीं है लेकिन दोनों मिलके एक नई चीज को जन्म दे देते हैं एक नई लिपि को बना देते हैं. तो अलग अलग तत्व हैं. यदि तो हम ईश्वर के तत्व में मिल जाएं तो हम उसकी सृष्टि का कुछ काम कर सकते हैं. मन की सृष्टि है. मन आपके शत्रु बनाता है आपके मित्र बनाता है. मन आपको रुलाता है. मन आपको हंसाता है. मन आपसे चालाकी कराता है. मन आपसे चतुराई कराता है. मन ही आपको असुर बना देता है और मन ही आपको देव बना देता है. मन की सृष्टि है. एक क्षण के लिए आपका मन किसी का मन विकृत हो जाए किसी की मति भ्रमित हो जाए जिसे कई लोग कहते पागल हो गया ये तो एक क्षण में भूल जाता है मेरी पत्नी कौन पुत्र कौन मेरे वस्त्र कहां मेरे आभूषण कहां मेरा ग्रंथ क्या मेरा ज्ञान मेरा कुल गोत्र मेरा धन वैभव यश कीर्ति मेरी चुबक चितवन मेरा यौवन सब तो भूल जाता है.